नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रिंटर्स फ्रेंड में। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं रबड़ की जो मोहर होती है, हाउ टू मेक स्टाम्प, रबड़ की मोहर कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, एंड तक ए टू जेड सारी प्रोसेस आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। अगर आप भी प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड किसी भी काम से जुड़े हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप भी मोहर बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं प्रिंस ऑफसेट पर और आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे रबड़ की मोहर बनाई जाती है। तो चलिए पूछते हैं प्रिंस से कैसे मोहर बनाई जाती है और उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो प्रिंस से पूछते हैं, हाँ तो बताइए मोहर बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है और क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। इसमें सबसे पहले हमको एक लेज़र प्रिंटर, वाटर पेपर जी, वाइट टेप सेलो, बॉर्डर टेप या स्टिकी टेप बोलते हैं इसको जी। दूसरा हंटर चाहिए वाटर को डार्क करने के लिए। अच्छा, जो बटर होता है उसको और हार्डनेस डार्कनेस बढ़ाने के लिए हंटर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा फिर इसके बाद फोटो प्लाइमर, जो कच्ची रबड़ होती है जिससे मोहर बनती है, फोटो प्लाइमर। और एक इसमें वाइट शीट और ग्लास कांच, एक ग्लास का टुकड़ा, कांच के टुकड़े, ये कांच के टुकड़े मोहर से दबाने के लिए, ये जब बनाई जाती है वाइट शीट क्लिप दो। तो ये सारे वाइट प्रोडक्ट चाहिए मोहर बनाने के लिए। तो हम लोग शुरू से प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं मोहर बनाने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ जो भी मैटर हम लोगों को टाइप करना होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर टाइप कर लिया है। जैसे इन्होंने अपने नाम की मोहर बनाई हुई है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस और यहाँ पर प्रोप्राइटर लिख दिया है। अभी तो हम इसको प्रिंट आउट देंगे, जितना भी एरिया हम लोग लेते हैं उसे ब्लैक कर देंगे और जो टेक्स्ट लिखना है उसको हम यहाँ पर रखेंगे वाइट। तो अब यहाँ पर दी जाएगी प्रिंट। तो यहाँ पर लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल होता है मोहर बनाने के लिए। जैसे कि ये आपका है HP का मॉडल है, पुराना है, इसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी लेज़र प्रिंटर किसी भी कंपनी का हो सकता है, HP, Canon या और भी कोई कंपनी का, बट लेज़र प्रिंटर ही होना चाहिए। तो बटर पेपर हम लोग यहाँ से प्रिंट करते हैं लेज़र प्रिंटर के ज़रिए। ये हमारी जो है प्रिंट निकल के आई है, इसके ज़रिए हम लोग मोहर बनाएंगे। प्रिंट के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे बटर को। इस तरह से टेप के ऊपर जितनी भी आपकी मोहर बननी है उनको अटैच करके और कांच के ऊपर हम लोग पेस्ट कर लेंगे, कांच के ऊपर टेप को चिपका लेंगे सही से, पेस्ट कर लें इसको बीच में, फुल बीच में, कहीं भी गैस ना रहे, गैस ना हो, ऊपर नीचे ना रहे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एकदम क्लीन और शार्प होना चाहिए। इसके बाद लगाएंगे स्टिकी टेप, बॉर्डर टेप। जो हम लोग केमिकल डालेंगे वो उतने ही एरिया में रहे, इधर उधर ना फैले, इसके लिए इस टेप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो आपका केमिकल जो है फोटो पॉलीमर की जो केमिकल आता है वो ज़्यादा बर्बाद होगा, आपका वेस्टेज जाएगा, तो इसलिए इस टेप का इस्तेमाल किया जाता है बॉर्डर, ताकि जो आपका केमिकल है वहीं तक रहे, इधर उधर ना फैले। तो ये आपकी पेस्टिंग हो चुकी है यहाँ पे। अब इसके बाद वाइट शीट उसी साइज की शीट काट कर इसके ऊपर चिपकाएंगे केमिकल डालने के बाद में।
तो लगभग उसी के अकॉर्डिंग सीट काट लेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तो पूरी जानकारी मिलेगी। अगर इस वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। ये होता है रबड़ बैठती नहीं, अच्छा डाउन नहीं होते हैं, मतलब लेवलिंग सही से आई, मतलब अच्छे बैठे हैं नहीं, मतलब कहीं ना कहीं लेटर छूट जाता है, जाता है वो चीज़ है। ये जो केमिकल इस पर डाला जाता है, केमिकल को लेवल करने के लिए इस सीट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये केमिकल चारों तरफ अप डाउन लेफ्ट राइट चारों तरफ इक्वल रहे। और केमिकल उतना ही डालना होता है जितना कि लगभग इसमें आ जाए आराम से, ओवरफ्लो ना हो और कम भी ना रहे। ये आप अपनी समझ से इसमें डाल सकते हैं। ये एयर बबल्स ना रहे, एयर बबल्स। अब यहाँ पर इसमें कोई एयर बबल्स नहीं रहना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे कोई ब्लेड टाइप का देखेंगे जिससे हम लोग लेवल करेंगे इसको। ये एयर बबल्स हैं, ये दिख रहे हैं, ये नहीं रहना चाहिए। अगर ये किसी वर्ड पे पड़ गए तो वो वर्ड नहीं आएगा, कट जाएगा वर्ड। अच्छा ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो अच्छर ही नहीं आएगा, वो वर्ड हो सकता है, इसलिए बबल्स को पहले हटाएंगे यहाँ से, देखेंगे कहाँ कहाँ बबल्स हैं उनको वहाँ से हटाएंगे और उसके बाद करेंगे लेवल। प्लास्टिक सीट को मोड़ के बीच में रखेंगे जिससे कि चारों तरफ वो जब प्रेशर इस पर लगाया जाए चारों तरफ इक्वल हो जाए। और एक और कांच का टुकड़ा ऊपर से रख दिया है इन्होंने और लगा दी है चिमटी एक इस साइड से एक इस साइड से, जिससे कि दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर बना रहे। चिमटी लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ जो थोड़ा थोड़ा एक्सेस मटेरियल था वो अपनी जगह से इधर उधर निकल गया है और उसके लेवल में वहाँ पे सेट हो गया है। अभी आप रखते हैं मशीन में, टेम्परेचर देते हैं। तो दोस्तों ये है टेम्परेचर मशीन, तो मशीन स्टार्ट है, अब इसमें टेम्परेचर सेट किया जाएगा। टेम्परेचर याद रखें फर्स्ट जोन सेट से, वो जिस साइड हम लोगों ने केमिकल डाला था उस साइड फर्स्ट टाइम देना है। कितना देना है टाइम? 180 सेकंड ओनली। ये यहाँ से टेम्परेचर सेट करेंगे 80 सेकंड। यहाँ से आपको साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो वो डिस्प्ले लाइट की वजह से नहीं आ रहा। 80 है यहाँ पे, 80 स्टार्ट हो गया, टाइमर स्टार्ट हो गया है। टाइमर आपको इसमें दिख रहा होगा दूर से, तो वेट करेंगे इसका। तो यहाँ पर बीप आ चुकी है मशीन से और टाइमिंग हो चुकी है पूरी, तो अब हम लोग निकालेंगे इसको बाहर। अब इसका दूसरा साइड देखेंगे, अब जो दूसरे तरफ का हिस्सा है उसको रखेंगे और यहाँ पर रख दिया हमने 120 सेट करेंगे जो उल्टे साइड से। हाँ उल्टे साइड से, जिस साइड से पहले कांच नीचे रखी थी जिसके ऊपर हम लोगों ने टेप चिपकाया था उस साइड से रखेंगे। तो 120 सेकंड देंगे यहाँ पे और करेंगे वेट इसका पहले की तरह। तो यहाँ पर बीप आ चुकी है मशीन से और 120 सेकंड की जो टाइमिंग है वो पूरी हो चुकी है। हम लोग निकालेंगे बाहर इसको, मार को अब मशीन कर देंगे बंद। तो हम इन दोनों कांच के टुकड़ों को अलग करेंगे आराम से, बीच से एक दूसरे से फटने का डर रहता है इसमें। अब इसको निकालेंगे यहाँ से बाहर। ये देखो हमारी स्टम्प हो चुकी है। अब इसमें बेस्ट जो
रबड़ वाली, उसको वापस निकाल लेंगे। यहाँ जो वेस्टेज इसमें वेस्टेज नहीं सॉरी जो केमिकल अभी रहता है सही, तो उसको अगर आप कलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से निकाल के अपना वापस बोतल में डाल सकते हैं, और नहीं तो आप कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो अब करेंगे इसकी सफाई, धुलाई। अब जो इसमें वेस्टेज केमिकल रबड़ लगी हुई है वो उसको धोएंगे, इसको शैम्पू डाल के थोड़ा सा शैम्पू लगा के धुलाई करेंगे, जैसे अपने बालों की धुलाई की जाती है उसी तरीके से। जैसे कि केमिकल छूट जाए अच्छे तरीके से। तो ये क्लीन हो चुकी है अब, और अब होगी इसकी इसकी कटिंग, और इस पर चिपकाएंगे, पेस्ट करेंगे, पकाए और केमिकल। अब इसके बाद इसको एक बार फिर से हीट मशीन में लगाएंगे और 120 सेकंड तक टेम्परेचर पर हीट करेंगे, और इसके बाद कटिंग करेंगे ताकि ये उखड़े ना और टूटे नहीं। हमारे कटिंग कर देंगे, और कटिंग के बाद हाँ एक डेढ़ सौ एक पाँच सौ पेस्ट करेंगे। ठीक ठीक मोहर की सही से करेंगे फिनिशिंग, और इसका जो बॉर्डर दिख रहा है वो हटा देंगे, बॉर्डर को कर देंगे कट, और अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा केवल उतना ही उतना निकाल लेंगे बाहर, चारों तरफ से बॉर्डर काट देंगे। अभी हम इसको करेंगे, इसके बाद स्टिकी टेप का करेंगे इस्तेमाल, इस पर करेंगे पेस्ट इसको, और इसको भी उसी साइज से फिनिशिंग कर लेंगे, मोहर के अकॉर्डिंग टेप काट लेंगे जैसा जिसका साइज है। अभी हम इसको हैंडल पे करेंगे पेस्ट के, मोहर के अकॉर्डिंग करेंगे हैंडल का इस्तेमाल, इसके ऊपर रख के पेस्ट कर देंगे ये इस तरीके से। अब करेंगे टेस्टिंग, जो हमारी मोहर बनी हुई है कैसी बनी हुई है, तो एक बार लगा के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोहर बनाई है उसकी क्वालिटी, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस का, जिन्होंने मोहर कैसे बनाई जाती है सही और सटीक जानकारी। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं प्रिंटिंग, जो भी प्रिंटिंग का बिज़नेस करते हैं, जो भी प्रिंटिंग का काम करते हैं हमारे भाई, वो लोग कितने बिजी रहते हैं, तो उसकी वीडियो हम लोगों ने शूट करी थी मोहर कैसे बनाई जाती है, लेकिन वो उस लास्ट में थोड़ा सा पार्ट रह गया था उसकी वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो अभी हम लोग भोपाल जा रहे थे तो झांसी स्टेशन पर हैं, तो अभी हम लोगों को टाइम मिला तो उस वीडियो का छोटा सा क्लिप अभी हम लोगों ने शूट किया जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद और प्यार दें कमेंट के माध्यम से। अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।